ऑल, आई एम बिंदी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूँ। ये हर लड़की का फेवरेट टॉपिक है, बैग्स। तो मैं आज आपके साथ मेरे वार्डरोब में माय मस्ट हैव बैग्स इन माय वार्डरोब शेयर करूंगी। सबके वार्डरोब में कुछ न कुछ फेवरेट बैग होती है, जो मस्ट हैव्स होती है, जो हम कहीं पर भी लेके जाए, मतलब मल्टीपल फंक्शन में हम वो बैग यूज कर सकते हैं। वैसे हर एक लड़की के वार्डरोब में कुछ न कुछ बैग्स होती ही है। मेरे भी वार्डरोब में मेरी मस्ट हैव बैग्स है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ये मैंने जहां जहां मैं ट्रेवल करती थी वैसी जगहों से या कहीं मुंबई से, वैसे मैंने थोड़ी बहुत बैग्स इकट्ठा की है और ये मेरी पर्सनल फेवरेट है और मेरे वार्डरोब में ये मेरी मस्ट हैव बैग्स है, जो मैं बहुत सारे अलग अलग जगह पे जाना होता है तो मैं इसमें से कोई भी बैग ड्रेस के साथ पैर अप करके लेके जाती हूँ। तो आज मैं मेरी मस्ट हैव बैग्स इन माय वार्डरोब आपके साथ शेयर करूंगी। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट बैग मैं आपको दिखा रही हूँ वो है ये ब्लैक बैग। दिस इज वेरी क्लासिक ब्लैक बैग। ये बड़ी बैग है तो आप कहीं पे योर वर्क प्लेस या तो आपको कहीं ट्रैवलिंग करना हो ऐसी कोई जगह पे आप इसको यूज कर सकते हैं। और इसमें पार्टीशन भी यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो इसमें आपकी काफी सारी चीजें रह जाएगी। सो आपको आपके काम के लिए, स्टूडेंट हो तो अपने कॉलेज के लिए, या आपको कहीं पर ट्रैवलिंग करना है तो इसमें आप बहुत सारी चीजें डाल सकते हैं। मोबाइल्स है, मेकअप है, सैनिटाइजर्स है, जो भी आपकी एसेंशियल चीजें इसमें रह जाएगी बिकॉज ऑफ टू पार्टीशन। तो ऐसी एक बड़ी बैग आपके वार्डरोब में होना बहुत ही जरूरी है, प्रेफरेबली ब्लैक कलर या बेज कलर, बिकॉज ब्लैक एंड बेज सभी आउटफिट के साथ मैचिंग होता है। तो ऐसी बैग बहुत ही इम्पोर्टेंट। उसके बाद ऐसी एक बेज कलर की बैग, लाइक अ स्किन कलर की बैग आपके वार्डरोब में होना ये भी बहुत ही जरूरी है, बिकॉज ये एक पार्टी काइंड ऑफ अ बैग है। मतलब इट्स लाइक इट्स आप इसको फॉर्मल आउटफिट के साथ भी ले सकते हैं। आप कहीं पे पार्टी पे जा रहे हैं वहां पे भी बहुत ही अच्छी लगेगी और आपको ऑफिस लुक के साथ भी बहुत अच्छी लगेगी। तो दिस इज ऑल्सो वेरी गुड बैग एंड द कलर, बिकॉज ऑफ द कलर यू कैन वेयर दिस बैग विथ एनी आउटफिट, बिकॉज दिस इज अ स्किन कलर एंड स्किन कलर गोज विथ मोस्टली ऑल द आउटफिट्स। और इसके अंदर भी काफी सारी स्पेस है तो इसमें भी आप अपनी सारी चीजें डाल सकते हैं एंड ये बहुत ही अच्छी और हैंडी बैग है। और इसके साथ ये ऐसा एक स्लिंग बैग का स्ट्रिप भी आता है जो आप यहाँ पे लगा के इसको स्लिंग के जैसे भी वेयर कर सकते हैं। एंड इट्स अ वेरी गुड बैग विथ द जिप एंड बहुत ही क्लासिक एंड बहुत ही स्टाइलिश लगती है। तो ऐसी एक बैग भी आपके वार्डरोब में जरूर होनी चाहिए। और ये वाली बैग और इसके पहले जो ब्लैक बैग बताई थी ये मैंने दुबई के करामा मार्केट से ली है। इट्स अ वेरी गुड क्वालिटी बैग। उसके बाद जो मैंने आपको ब्लैक बैग सबसे पहले दिखाई उसके अल्टरनेटिव में आप एक ऐसा बैग भी रख सकते हैं, स्लिंग बैग की तरह भी आप इसको कैरी कर सकते हैं और इसमें कंपार्टमेंट भी काफी सारे, यहाँ पर भी एक कंपार्टमेंट है पर भी बहुत सारी स्पेस है। मैंने इसमें से अभी तक निकाला नहीं है पेपर बिकॉज अदरवाइज इसका जो शेप है वो खराब हो जाएगा। एंड दिस इज बाय विक्टोरिया सीक्रेट, ये मैंने बैंकॉक से लिया था एंड दिस इज वन ऑफ माय पर्सनल फेवरेट बैग, बिकॉज ऐसी एक बड़ी बैग है तो मोस्टली आपका सारा सामान इसमें आ जाता है। आपका मेकअप से लेके मोबाइल्स है, पैसे है, क्रेडिट कार्ड्स है, जो भी कुछ है सारा इसमें आ जाता है। इट्स अ वेरी लाइट वेट बैग, सो इट्स अ वेरी गुड बैग एंड ब्लैक कलर अगेन इट गोज विथ मोस्टली ईच एंड एवरीथिंग। सो ऐसा एक बैग आपके पास जरूर ही होना चाहिए। इसके बाद ऐसी एक बैग, ये एकदम क्लासिक ब्राउन कलर की लेदर बैग है। दिस इज अ स्लिंग बैग एंड दिस इज वेरी गुड फॉर एवरीडे यूज। इसमें आप यहाँ पे आपका आपके पैसे और मोबाइल रख सकते हैं और अंदर भी इतनी अच्छी अच्छा कंपार्टमेंट, इतनी जगह है इसमें, मोस्टली आपकी सारी चीजें इसमें आ जाएगी एंड इट्स अ वेरी गुड बैग। इट्स अ वेरी गुड क्वालिटी लेदर बैग।
ये मैंने इंडोनेशिया बाली से ली थी एंड दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट बैग। मेरे हिसाब से ऐसी एक बैग आपके पास होनी ही चाहिए बिकॉज दिस इज अ मल्टीपर्पज बैग। आप इसको एवरी डे में भी यूज कर सकते हैं, आप इसको शॉपिंग पे यूज कर सकते हैं, ट्रैवलिंग पे यूज कर सकते हैं एंड इसमें ट्रैवलिंग के लिए भी आपकी सारी एसेंशियल चीजें आ जाएगी एंड शॉपिंग के लिए भी बहुत ही अच्छी है एंड इट लुक्स ऑल्सो वेरी स्टाइलिश। सो ऐसी एक बैग आपके पास जरूर होनी चाहिए। उसके बाद हम आते हैं कुछ पार्टी वेयर के लिए। सो ऐसे टाइप की ब्लैक एंड गोल्डन पार्टी वेयर ब्लैक बैग्स इट्स मस्ट बिकॉज ये वाली आपको साड़ी पे भी बहुत अच्छी लगेगी, इंडियन आउटफिट पे भी बहुत अच्छी लगेगी और ये आपको वेस्टर्न आउटफिट पे भी बहुत ही अच्छी लगेगी एंड इट्स अ वेरी नाइस बैग। इतनी सारी इसमें जगह है और ये आप उसको ऐसे भी टांग सकते हैं, स्लिंग की तरह भी टांग सकते हैं एंड इट्स अ वेरी कंफर्टेबल बैग। सो ब्लैक है सो ब्लैक आपका हर आउटफिट पे मैच हो जाएगा और दूसरा आप गोल्डन रखिए तो ये आपको साड़ी पे भी बहुत अच्छा लगेगा, सलवार कमीज पे भी बहुत अच्छा लगेगा, इवन घाघरा चोली या एनी इंडियन आउटफिट दिस विल लुक वेरी गुड। सो दिस काइंड ऑफ अ ब्लैक एंड गोल्डन बैग्स आर मस्ट इन योर वार्डरोब, मतलब मेरे लिए तो दिस इज मस्ट हैव। और ये मैंने लिया था बैंकॉक से एंड इट्स अ वेरी गुड बैग एंड इट्स अ वेरी गुड क्वालिटी बैग। इसको आई थिंक सो 4 साल हो गए बट इट्स वेरी गुड। और एक बैग है जो आपके पास मस्ट हैव होनी चाहिए, वो है ऐसा ब्लैक कलर का क्लच। सो दिस इज मोस्टली फॉर साड़ीज एंड इंडियन वेयर, दिस विल लुक वेरी गुड विथ साड़ी, सलवार कमीज, घाघरा चोली और मेरे हिसाब से दिस बैग विल लुक वेरी गुड विथ ब्लैक शॉर्ट आउटफिट, लिटिल ब्लैक ड्रेस के साथ ये इतना अच्छा लगेगा। If you are going for any New Year parties या Christmas parties तो ये बहुत ही अच्छा लगेगा and it's a very good bag, मुझे बहुत ही पसंद है ये बैग। इसमें भी इतनी जगह है एंड ये भी आप स्लिंग की तरह भी इसको वेयर कर सकते हैं, हाथ में भी पकड़ सकते हैं, दिस लुक्स वेरी स्टाइलिश। ये भी मैंने लिया था बैंकॉक से प्लेटिनियम मॉल से और ये भी मेरा वन ऑफ द फेवरेट बैग है। जो मैंने आपको ब्लैक क्लच बताया था वैसा ही आपके पास ऐसा एक स्किन कलर गोल्डन कलर का भी क्लच होना बहुत ही जरूरी है। नाउ दिस क्लच इज सो स्टाइलिश, ये भी आपको इंडियन आउटफिट साड़ी हो, सलवार कमीज हो, घाघरा चोली हो उसके साथ इतना अच्छा लगेगा और यस ये आपको गाउन के साथ भी बहुत ही अच्छा लगेगा। और यहाँ पे ये जो इसकी डिटेलिंग है इतनी अच्छी लग रही है एंड दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट बैग बिकॉज मुझे ऐसी बैग बहुत ही स्टाइलिश लगती है। इसको आप हाथ में भी ले सकते हैं, स्लिंग की तरह भी यूज कर सकते हैं, तो दिस इज अगेन मस्ट हैव इन माई वार्डरोब। ये और एक बैग है, दिस इज माई फेवरेट बैग एंड मस्ट हैव इन माई वार्डरोब, मतलब मुझे ये बहुत ही पसंद है। ये ऐसे एक क्लच काइंड ऑफ अ बैग है, इसके अंदर ज्यादा स्पेस नहीं रहती बट दिस इज वेरी स्टाइलिश। ये आपका इंडियन आउटफिट हो, वेस्टर्न आउटफिट हो, कोई भी आउटफिट के साथ ये इतना अच्छा लगेगा एंड द कलर, बिकॉज ऑफ द कलर, बिकॉज ऑफ इट्स शेप एंड एवरीथिंग दिस लुक्स वेरी वेरी क्लासी। मैं तो इसको इंडियन के साथ भी कैरी करती हूँ, इसको मैं साड़ी के साथ भी कैरी कर सकती हूँ, इसको मैं शॉर्ट ड्रेस के साथ भी कैरी करती हूँ, तो ये एक बैग के बहुत सारे मेरे को यूज आते हैं। सो मुझे पर्सनली ये बैग बहुत ही पसंद है। उसके बाद और एक बैग मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, ये वाला। ये भी बैग ऐसा ही छोटा सा क्लच बैग है, इसमें भी ज्यादा स्पेस नहीं है बट दिस इज अमेजिंग फॉर इंडियन आउटफिट। ये मैंने शादी में कैरी किया था एंड एवरी वन जस्ट लव्ड इट। ये मैंने बैंकॉक से लिया है और ये मैंने दुबई से लिया है, तो ये भी बहुत ही ये भी मस्ट हैव है। अगर आपको मौका मिले तो ऐसा आप बैग जरूर अपने वार्डरोब में रखना। इट्स वेरी स्टाइलिश, क्लासी एंड सेम टाइम इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव सच काइंड ऑफ अ गोल्डन बैग इन योर वार्डरोब। और लास्ट ऐसा भी एक बैग होना आपके वार्डरोब में बहुत ही जरूरी है, दिस इज वेरी फंकी स्लिंग बैग। इसमें स्पेस भी इतनी होती है, आप इसमें अपना कुछ भी सामान डाल दो और ये आपका बोहो एथनिक काइंड ऑफ अ बैग है जो आपके कोई भी आउटफिट के साथ बहुत ही अच्छा लगेगा। प्रेफरेबली आप जीन्स और व्हाइट टॉप पहन रहे हैं, जीन्स या ब्लैक शर्ट पहन रहे हैं, या आप कोई इंडियन इंडो वेस्टर्न काइंड ऑफ आउटफिट पहन रहे हैं, स्कर्ट है, लॉन्ग स्कर्ट है, तो उसके
साथ भी ये बहुत अच्छा लगेगा, सलवार कमीज के साथ भी अच्छा लगेगा। तो ऐसा एक इंडियनाइज बैग आप जरूर अपने वार्डरोब में रखना। और एक बैग है ऐसा छोटा सा, एक स्लिंग बैग। ये बहुत ही हैंडी आता है, इसके अंदर बस मोबाइल, थोड़े पैसे डाल दो और निकल जाओ कहीं पे, शॉपिंग पे निकल जाओ, मूवी पे निकल जाओ। एंड इट्स अ वेरी लाइट वेट काइंड ऑफ अ बैग। सो ऐसा भी एक बैग आपके पास जरूर होना चाहिए। तो ये थे मेरे मस्ट हैव्स इन माय वार्डरोब। तो ये सारे बैग्स मेरे वार्डरोब में मस्ट हैव है। बस इतने बैग भी आपके पास हुए एंड यू आर गुड टू गो। आप कोई भी ओकेजन में कहीं पर भी इसमें से कोई भी बैग आपके आउटफिट के साथ मैच करके यू विल लुक वेरी स्टाइलिश एंड वेरी एलिगेंट। सो दिस काइंड ऑफ बैग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन ईच एंड एवरी गर्ल्स वार्डरोब। अभी सबकी बैग्स की चॉइस अलग अलग होती है, बट ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिए कि इस काइंड के बैग आपके पास भी होना जरूरी है। दीज आर माय फेवरेट्स इन माय वार्डरोब। तो ये मैंने आपके साथ शेयर किया एंड आई होप आपको ये मेरा वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और इससे आपको थोड़ा आइडिया आया होगा कि आपके वार्डरोब में भी कैसे कैसे बैग होने चाहिए जिसको आप मल्टीपल वे में यूज कर सकते हैं। तो मैं आपको बहुत ही जल्दी मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। एंड प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट दैट बेल आइकन। यू विल गेट द नोटिफिकेशन व्हेनेवर आई अपलोड न्यू वीडियो एंड यू विल नॉट मिस माय सिंगल वीडियो। बहुत ही जल्दी आपको मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ।